हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास टेंथ का। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टीज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, उसमें एक्सेप्शन हमने एक पढ़ा क्वार्क जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता, उस पर बेस्ड क्यूज इक्वल टू एन फार्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स और सेमी कंडक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और भी कुछ अदर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं। The amount of work done in moving a charge from infinity to any point, ठीक, within the field, ठीक है ना। ये डिफिनेशन थोड़ा 12th लेवल की हो गई, तो एक और डिफिनेशन हम बता देते हैं, लिख लीजिए द अमाउंट ऑफ, अभी हम फील्ड रूल नहीं पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड रूल, ठीक है ना, तो इसीलिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है, टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये सिंपल सी डिफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, यहां पर एक कोई चार्ज है क्यू, ठीक है, यहां पर कौन सा चार्ज है क्यू, और हमें इस चार्ज को, भाई हम कोई ना कोई काम करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है ना, या फिर कुछ एनर्जी का लॉस हुआ तो कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। तो वैसे ही जब हम इस चार्ज को उठा करके यहां पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जब हम इस चार्ज को उठा करके यहां से लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, क्योंकि जब कुछ काम होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, एनर्जी लॉस हुई तो वर्क डन हुआ। तो वही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, कि किसी भी चार्ज के मूव होने पर जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपान चार्ज, ठीक है, वर्क अपान चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं और वर्क को हम W से, तो V इज इक्वल टू W अपान क्यू, ठीक है, V इज इक्वल्स टू W अपान क्यू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक, स्केलर क्वांटिटी, और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इज वोल्ट। ठीक, जो एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या बोलती है, वोल्ट होती है। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए, यही इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फार्मूले से हम डिराइव करेंगे वन वोल्ट क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो देखिए हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा था भाई, अभी अभी जस्ट पढ़ा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पक्का सबको। अब देखिए, वन वोल्ट इज इक्वल टू होता है वन जूल अपॉन वन कूलाम। अब जूल यहाँ क्यों हो गया, क्योंकि जो वर्ग मीजर होता है वो किसमें मीजर होता है, वर्ग जो मीजर किया जाता है वो जूल में मीजर किया जाता है, और जो चार्ज होता है वो किसमें होता है, कूलाम में। ठीक है, तो वन वोल्ट को यहां से डिफाइन करेंगे, इफ या फिर वन वोल्ट इज सेड टू बी इफ वन जूल ऑफ, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ऑफ वन कूलाम्ब ऑफ चार्ज, वन कूलाम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, वन वोल्ट क्या कहेंगे, अब वन वोल्ट इज सेड टू बी, वन वोल्ट तब कहा जाएगा जब एक जूल वर्क डन होगा, जब एक जूल वर्क डन होगा एक कूलाम्ब चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए एक कूलाम्ब चार्ज है ये, ठीक है, इसको हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना है, तो इस वन कूलाम्ब चार्ज को बी पॉइंट तक ले जाने के लिए वन जूल ऑफ वर्क डन हुआ वही क्या होगा, वन वोल्ट। वन वोल्ट इज सेड टू बी इफ वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ऑफ वन कूलाम्ब ऑफ चार्ज, कह रहा है कि वन जूल ऑफ एक कूलाम्ब चार्ज को लाने के लिए अगर एक जूल वर्क होता है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वन वोल्ट हो जाएगा। आई थिंक इसमें भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पोटेंशियल को हिंदी में विभव बोलते हैं और डिफरेंस को हम अंतर बोलते हैं, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस को जो हिंदी में बोलते हैं उसको बोलते हैं विभवांतर। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक, तो इसको इसकी डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनदर पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो कि कहां कब हुआ, जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करा रहे हैं। ठीक है, वहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर ले आते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से नहीं, किसी पॉइंट से किसी दूसरी पॉइंट पर ले जाएंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमें मान लीजिए ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ किसको, इन मूविंग अ चार्ज, एक चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल्स टू
ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू होता था, वैसे सेम जो है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू इसका भी होता है। ठीक, ठीक है। उसके बाद इसी में हमें पढ़ना है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या होता है, लो पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें केवल पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? केवल पॉजिटिव ही चार्ज है, ठीक है ना, मतलब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक कोई हमारी क्या है, बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी उसे हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? हाई पोटेंशियल। ठीक, और एक कोई बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसे हम बोलेंगे लो पोटेंशियल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? लो पोटेंशियल। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हाई पोटेंशियल और नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लो पोटेंशियल। ठीक, अब लो पोटेंशियल जान गए और हाई पोटेंशियल जान गए। अब हमें पढ़ना है जो कि हमारा चैप्टर का नाम है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट। ठीक है, अभी तक हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें पढ़ना है करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इसके जो डिफिनेशन है वो है चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक, जो इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू क्यू अपान टी। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, मतलब कि कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं वही क्या है, करंट है। वही कह रहा है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपान टी। ये क्या होता है, फार्मूला होता है करंट का। ठीक है, और एसआई यूनिट इसकी करंट की होती है एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, और जो क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वैसे जब आप आगे की क्लासों में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे 12th में भी स्केलर ही मिलेगी, बट जब बीए बीएससी होगा तो उसमें जो क्या होते हैं कि जो करंट होगी वहां पर स्केलर नहीं बोली जाएगी, वहां पर इसको बोला जाएगा टेंसर। ठीक है, बोला जाएगा टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अभी 10th में और 12th में, 11th में, 9th में हम स्केलर ही बोलेंगे। ठीक है, अब आती है बारी, जैसे वहां पर 1 वोल्ट पढ़े थे वैसे यहां पर हमें पढ़ना है 1 एम्पी। ठीक, 1 एम्पियर पढ़ना है, तो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। फार्मूला आप लिख दीजिए, डिफिनीशन अगर आपकी गलत भी थोड़ी बहुत है तो नंबर आपको फुल मिलेंगे। ठीक है, बट फार्मूला मस्ट है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम अपान 1 सेकेंड। ठीक, इसकी डिफिनेशन है 1 एम्पियर इज सेड टू बी इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो, 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर, इज कॉल्ड
वन एम्पियर. कह रहा है वन एम्पियर इज सेड टू बी इफ वन कूलम्ब ऑफ चार्ज. वन एम्पियर कहा जाएगा अगर एक कूलम्ब चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. अगर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी वायर से, किसी भी वायर से मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन वायर से, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि उसकी मोटाई, ठीक है ना, उसकी मोटाई मतलब अगर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल वायर से कितने सेकंड में, एक सेकंड में, तो वो क्या होगा, वन एम्पियर होगा. अगर टाइम एक सेकंड नहीं है, दो सेकंड हो गया, एक कूलम्ब ऑफ चार्ज दो सेकंड में फ्लो हो रहा है, तो वो वन एम्पियर ही नहीं होगा. वन एम्पियर वही होगा अगर एक कूलम्ब ऑफ चार्ज एक सेकंड में फ्लो होगा तब, ठीक है. उसके बाद हम जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जानेंगे. आई थिंक आप लोग जानते हो बट अगर नहीं जानते हैं तो समझिए, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक होता है, ठीक है. हाई पोटेंशियल किसको बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को बोलते हैं, और लो पोटेंशियल किसको बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी को, ठीक है. तो वही कह रहा है कि जो डायरेक्शन ऑफ मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा. अब हाई पोटेंशियल को हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी बोलते हैं, ठीक. ठीक, और इसको हम बोलते हैं निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक. तो जो फ्लो मतलब पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में करंट हमेशा फ्लो होगा, मतलब पॉजिटिव से हमेशा निगेटिव में ही करंट जो है फ्लो होगा, ठीक है. तो ये जो है सेकेंड लेक्चर आज का कंप्लीट होता है. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे. जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है I is equals to Q upon T, ये वाला, इस पर भी बेस्ड हम कल कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, ठीक है. तो बने रहिए हमारे लेक्चर में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.